विज्ञापन की एक टैगलाइन है, दाग अच्छे हैं क्योंकि दाग धोने वाला वॉशिंग पाउडर है। सत्ता में मंत्रियों के दाग भी अच्छे इसलिए मान लिए जाते हैं क्योंकि लोकतंत्र के लापतागंज में जाति के साबुन, दबंगई के पाउडर बाहुबल की वॉशिंग मशीन से धुलकर वोट की सफेदी हासिल होती है। जनता अपराध देखना भूल जाती है, जाति देखने लगती है। बिहार में जब भी मंत्रिमंडल बनता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि चर्चा इस बात की हो कि फला मंत्री कितने अनुभवी हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने संवेदनशील हैं। चर्चा यही होती है कि जाति क्या है और अपराध के केस कितने हैं। आदि किस्म का है उसको मनोबल बढ़ाते हैं, जो इनके विरोध में बोलते हैं उसको मर्डर करवाती है। इसके खिलाफ में कोई बोलने वाला नहीं है, करवाती है मर्डर करवाती है, प्लान करवाती है सबसे, और सभी अफसर जो है दहशत में जीते हैं। इसके खिलाफ में कोई बोलना नहीं चाहता है। अपनी सरकार की मंत्री के अपराध का कच्चा चिट्ठा गिनाती ये है बीमा भारती। जेडीयू की विधायक जो जेडीयू की लेसी सिंह को तीसरी बार मंत्री बनाने पर नाराज हैं। वहाँ से धमधा से विधायक है, बार बार उनको मंत्री बनाता है और इसका दुरुपयोग वह करते हैं। अवसर में जो है कि रंगदारी असूलना, अवसर में धमकाना चमकाना, अवसर सब भी डर जाते हैं। हम लोग को कई बार फोन करते हैं कि मैडम मुख्यमंत्री जी के करीबी है, इसलिए हम लोग को डर लगता है कि क्या महिला है, क्या बोल देगी, क्या कर देगी मुख्यमंत्री जी से कह करके, इसलिए लोग सब डर दहशत में रहते हैं। जो अपराधी किस्म का है उसको मनोबल बढ़ाते हैं, जो इनके विरोध में बोलते हैं उसको मर्डर करवाती है। 10 जून को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की शपथ, 16 जून को मंत्रिमंडल की शपथ और 24 घंटे में दागियों पर अग्निपथ। वजह ये कि नीतीश तेजस्वी की सरकार में शपथ लेने वाले 33 में 27 मंत्री यानी 72% मंत्री पर आपराधिक केस है। राजनीति में अपराध दर्ज होना किसी नेता या मंत्री पर बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती, लेकिन चिंता की बात यह है 33 में से 17 यानी 53% मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक केस है। गंभीर अपराध का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। ऐसा क्राइम जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा होती है, ऐसा अपराध जो गैर जमानती होता है, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसा अपराध, महिलाओं पर अत्याचार जैसा अपराध। ऐसे गंभीर अपराधों में देखें तो नीतीश की सरकार में लालू तेजस्वी के आरजेडी से 17 मंत्री बने, जिसमें 88% यानी 15 मंत्रियों पर आपराधिक केस है और 11 मंत्रियों पर गंभीर अपराध। उन्हीं में से एक है अपहरण के आरोपी और कानून मंत्री बने कार्तिकेय सिंह। जेडीयू के कोटे से 11 मंत्री बने, जिनमें से 4 पर आपराधिक केस है और 3 मंत्री पर गंभीर अपराध का केस दर्ज है। नीतीश बाबू क्या कर दिया आपने? दिस इज अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ जंगल राज। सरकार बनने के बाद बिहार में जिनके दागों की चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है उनका परिचय आगे देख लीजिए। नीतीश राज में जिनके खिलाफ चावल घोटाले का केस दर्ज हुआ, आरजेडी के ऐसे सुधाकर सिंह कृषि मंत्री बने हैं। 24 से ज्यादा केस दर्ज वाले जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने हैं। कारतूस के साथ एयरपोर्ट पर दिल्ली में पकड़े गए चंद्रशेखर यादव नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। हत्या की कोशिश से लेकर बाल यौन शोषण के आरोप जिन पर हैं, ऐसे सुरेंद्र यादव बिहार में सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी उठाएंगे। जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ड्यूटी दिया है और जिसको आदरणीय लालू प्रसाद जी ने चयन किया है आरजेडी की तरफ से कि कौन मंत्री होगा, हम दोनों नेताओं को तो धन्यवाद देते ही हैं। ये है सुरेंद्र यादव जी, दूसरे मंत्री, इनके भी लास्ट इलेक्शन का भी मैं बेलागंज से ये लड़े हैं, तो लास्ट इलेक्शन में देखिए इनके खिलाफ क्या क्या आरोप है। धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, बाकी अपराध का संक्षिप्त विवरण क्या है, बाल यौन अपराध, ये भी लिखा हुआ, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और बाकी मारपीट भी है। मंत्रिमंडल बनते हैं तो चर्चा जहां होनी चाहिए कि फला मंत्री इतने शिक्षित हैं, फला विभाग के काम के लिए इतने अनुभवी हैं, वहां बिहार में मंत्रिमंडल बनते ही चर्चा होती है कौन किस जाति का है और किस पर कितने केस है। रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।